Hello everyone. Now in this video we would be talking about the third very important effect which arises due to electron shift or delocalization of electron in covalent bonding. So basically the third effect is called as hyperconjugation. So let us take an example to understand what is the meaning of hyperconjugation. This is a carbocation written on the board. Carbocation means in this one carbon is having a positive charge. If I expand this molecule, I can write all the three hydrogens on this carbon like this. And see, this is the situation. Now with the help of this example, I would be telling you how hyperconjugation takes place. So basically in hyperconjugation, what happens? In hyperconjugation, sigma bond shifts and becomes pi, right? What happens? Sigma bond shifts and changes to pi bond. Let's see how. We can see here one plus charge is there. Plus charge means what? Plus charge means the electrons are not there or they are less over there on this carbon. Is carbon ke paas electron ki kami hai. Jab bhi aisa hoga, to ye carbon ka plus charge idhar se electrons ko apni taraf attract karega. Aur is attraction ki wajah se kya hoga? Ki ye sigma bond khatam hokar kuch aisi situation show karega. हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना है, इट इज हैविंग टू इलेक्ट्रॉन्स, वन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वन फ्रॉम कार्बन. तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होकर पाई बॉन्ड बना लेगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो जाए, सॉरी ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से नेग्लेक्ट हो जाए या न्यूट्रल हो जाए. ऐसा होने से क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर क्या बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होकर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया बेसिकली. तो ये अगर सिग्मा बॉन्ड है जो पहले से अवेलेबल था मॉलिक्यूल में, यहां पर इस हाइड्रोजन के बॉन्ड के शिफ्ट की वजह से क्या गया इस मॉलिक्यूल में, पाई बॉन्ड. जब भी ऐसे शिफ्टिंग की वजह से कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उस मॉलिक्यूल को हाइपर कंजुगेट कहते हैं. So this is the first hyperconjugate of this molecule. Why I am saying first hyperconjugate? ऐसा क्यों कहा मैंने कि ये इस molecule के लिए ये पहला hyperconjugate है? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहले की videos में भी हम बात कर चुके हैं कि alpha carbon और alpha hydrogen क्या होता है. यहाँ पर alpha carbon और alpha hydrogen बहुत important role play करते हैं. कैसे, आइए देखते हैं. जिस कार्बन पर चार्ज है उसे अगर हम फंक्शनल ग्रुप मान लें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर अगर मॉलिक्यूल में कोई भी और अलग चीज आती है तो उसे फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं. तो अगर हम इसे फंक्शनल ग्रुप की एंटिटी मान लें तो ये जिस कार्बन पर अटैच है वो अल्फा कार्बन हुआ और इस कार्बन पर डायरेक्ट जितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो क्या हुए, अल्फा हाइड्रोजन्स. तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में तीन अल्फा हाइड्रोजन है, पहला दूसरा और तीसरा. तो सिंपल सा एक डायरेक्शन है इस इफेक्ट में कि जितने भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे अल्फा कार्बन पर उतने हाइपर कंजुगेट्स पॉसिबल हैं. इस बात को थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं. जैसे इस मॉलिक्यूल में एक अल्फा कार्बन है और उस पर अवेलेबल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन, एक दो और तीन. तीन अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या कि तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे. एक बार ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करके पाई बॉन्ड बनाएगा, दूसरी बार ये वाला हाइड्रोजन वही काम करेगा, राइट, और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, राइट. और इस कार्बन की जिस पर प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज हटाने के लिए इस बार इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हुए और ये बना पाई बॉन्ड. इसे हम क्या कह सकते हैं, ये सेकंड हाइपर कंजुगेट हुआ इस मॉलिक्यूल का. और ऐसे ही इस तीसरे हाइड्रोजन को शिफ्ट कराकर हम क्या कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल का तीसरा हाइपर कंजुगेट भी बना सकते हैं. इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आया कि सिग्मा बॉन्ड के शिफ्ट से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइपर कंजुगेशन कहलाता है.
राइट और जितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स पॉसिबल हो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतनी बार ऐसे हाइपर कंजुगेट्स बनाना पॉसिबल होगा, राइट। तो हाइपर कंजुगेशन एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें बेसिकली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं और वो पाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद दीज आर द पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन विच वी कैन डिस्कस। ये कंक्लूजन मिलता है हमें, एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो जैसे रेजोनेंस में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वैसे ही हमने यहाँ कई सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। और नो बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बचा। जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पाई, जो सिग्मा बॉन्ड पाई के फॉर्म में बदल गया वहां कोई बॉन्ड नहीं बचता। यह हाइड्रोजन यहाँ H+ के फॉर्म में वेट करता रहता है, इसके और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। और क्यों, क्योंकि उसने अपना बॉन्ड कहां दे दिया, पाई बनाने के लिए दे दिया, उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहां पाई के फॉर्म में शिफ्ट करा दिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं यहां भी वही हुआ है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको, राइट। देन नेक्स्ट मेन पॉइंट इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ही है जो बार बार चेंज होके पाई में कन्वर्ट हो रहा है। देन एक्चुअली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से कि इट्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो रहा है बाजू के एमटी पी ऑर्बिटल में। इस कार्बन पे प्लस है, प्लस का मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन का तीसरा पी ऑर्बिटल कैसा है, वेकेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करा दिए गए कहां, इस कार्बन के वेकेंट पी ऑर्बिटल में, इसीलिए ये प्लस चार्ज यहां से घट गया। मैंने इस वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि कार्बन पर प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, राइट। सो वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहां है, इसके पी ऑर्बिटल में, और वो ही कमी पूरी की गई इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या यहां कहें इस पेयर से, या तीसरा हाइपर कंजुगेट बनाएंगे तो इस पेयर ऑफ हाइड्रोजन से वो कमी पूरी की जाएगी, राइट। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो यहां फुलफिल होनी चाहिए, वो ये पॉइंट है कि अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। वन मोर थिंग इज वेरी रिकमेंडेड कि इफ यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया कि अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो इसी सीरीज में एक वीडियो हम बना चुके हैं अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर, उसको जरूर देखें, उसके बाद ही इस इफेक्ट पर आए सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उस मॉलिक्यूल की। तो एक सिंपल कंक्लूडरी नोट में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा कार्बन्स विल डिसाइड द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स फॉर्म्ड, हेंस विल लीड एंड डिसाइड द स्टेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दे मूव टुवर्ड्स चार्ज। तो ये तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो थे वो हाइड्रोजन के, अल्फा हाइड्रोजन के, किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, कार्बन के प्लस चार्ज की तरफ। एंड देन कम्स लास्ट पॉइंट, मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट हेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर हम किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम उनके हाइपर कंजुगेट्स किस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन से। जितने ज्यादा अल्फा कार्बन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स, और फिर वो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल। इस बारे में एग्जांपल लेकर हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब हम ये बात करते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, या इसका यूज कहां कहां है, या इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। सो बेसिकली चार बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर एप्लीकेशंस हैं इस इफेक्ट की। इस इफेक्ट की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी कार्बोकेटायंस की। जैसे इसी इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए ये एक एग्जांपल था, एक्चुअली दिस वाज अ कार्बोकेटायन, एक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन पर प्लस चार्ज था। सो वी कैन गवर्न एंड डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। दो कार्बोकेटायंस या तीन कार्बोकेटायंस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये भी हम इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, किसी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी हम इससे समझ सकते हैं।
Then one more very important application is to know about the stability of alkenes, and then will come the last application, which is the stability of carb anions. In carb anions में हमें क्या करना है? In carb anions के में हम जो है एक नई चीज समझेंगे, वो होगी reverse hyperconjugation, यानी hyperconjugation का कुछ opposite पढ़कर या समझकर ये हम डिसाइड करेंगे कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कैसे रिवर्स हाइपरकंजुगेशन से गवर्न होती है. राइट, सो हाइपरकंजुगेशन में चार मेजर एप्लीकेशंस हैं विच वील बी डिस्कसिंग वन बाय वन. In continuation, talking about applications of hyperconjugation, the very first and very important application of hyperconjugation is through this effect we can explain the stability of carbocations. Right? So, for explanation part for hyperconjugation, already I have taken this example. But if two examples or two carbocations are given together, and then if it is asked ki which is more stable, then how to get the answer from hyperconjugation? So let's see. अगर दो carbocations दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि which one is more stable, तो इस केस में आंसर हम hyperconjugation से दे सकते हैं. एंड जैसे कि पहले ही बता दिया मैंने कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स कितने बनेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में. तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स उतने ज़्यादा बनेंगे और हेंस वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा. सो फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, इसमें इस सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोला और इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो देयर आर अवेलेबल 3 अल्फा हाइड्रोजन्स. हाउ मेनी? 3 अल्फा हाइड्रोजन. 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का मतलब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल के 3 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे. 3 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे और इस मॉलिक्यूल में ये सिस्टम अगर फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है तो यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन हुए और इन दोनों से जुड़े हुए हाइड्रोजन्स क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन. तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में हुए 6 हाइड्रोजन्स विच आर अल्फा हाइड्रोजन्स. राइट, तो इसका मतलब कि यहाँ बनेंगे 6 हाइपर कंजुगेट्स. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स फॉर्म्ड एंड हेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी. कहने का मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेट्स और उसकी स्टेबिलिटी दूसरे के कंपैरिजन में उतनी ही ज़्यादा. तो इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स में से स्टेबिलिटी ऑर्डर में मोर स्टेबल विल बी द बी मॉलिक्यूल. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द अनादर एंड सेकेंड एग्जाम्पल, इस मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव कार्बन है दैट इज कार्बोकेटायन पार्ट इज अटैच्ड टू दिस कार्बन और इस कार्बन पर अवेलेबल हाइड्रोजन हमारे पास सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है. और अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ इस पर प्लस चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब कि 1, 2, और 3 कार्बन्स यहाँ पर डायरेक्ट अटैच्ड हो रहे हैं. तो डायरेक्ट अटैच्ड होने वाले कार्बन्स में यहाँ CH2 है और यहाँ भी CH2 है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हुए हमारे पास? 3, 2, 5, and 6, and 7 अल्फा हाइड्रोजन्स. इट मीन्स अगेन द मोर स्टेबल मॉलिक्यूल आउट ऑफ दीज टू वुड बी द B1. राइट, नाउ इफ वी कंपेयर दीज टू एग्जाम्पल्स, तो यहाँ डबल बॉन्डेड सिस्टम हमारा ये है. As we can see, यहाँ पर double bonded system है और इससे direct जुड़े हुए तीनों carbon alpha carbon कहलाएंगे. इसका मतलब अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH2 है और यहाँ भी CH2 है. तो इस हिसाब से doubly bonded carbon से attached तीनों carbon alpha carbon हुए और इन पर available alpha hydrogens का number है 7. Right? तो this molecule has 7 alpha hydrogens. Now talking about this, इस मॉलिक्यूल के ऊपर
इस सिस्टम से जुड़ा हुआ एक ये कार्बन है डायरेक्ट और एक ये कार्बन है, तो ये दोनों अल्फा कार्बन हुए और अवेलेबल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अगर हम कंपेयर करें इस मॉलिक्यूल को इसके साथ, तो स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी, मींस मॉलिक्यूल ए विल बी मोर स्टेबल देन मॉलिक्यूल बी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स जितने होंगे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट्स उतने ज़्यादा बनेंगे और हैंस स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो इस मॉलिक्यूल में 6 अल्फा हाइड्रोजन, सो 6 हाइपर कंजुगेट्स एज कम्पेयर टू दिस, दिस इज मोर स्टेबल। इन दिस एग्जाम्पल दिस इज हैविंग ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस वन इज हैविंग 7 अल्फा हाइड्रोजन, सो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑर्डर इज दिस एंड फॉर दिस मॉलिक्यूल ए वुड बी मोर stable than the B. So this is how with the help of hyperconjugation we can decide that which carbocation is more stable than the other. Similarly we can decide and discuss the stability of free radicals over here with the help of hyperconjugation. अब free radical क्या है? ऐसा कोई भी molecules जिस पर एक unpaired electron present हो free radical कहलाता है। जैसे इस carbon पर कोई charge नहीं है, ये ना तो plus है ना minus है, ये कोई भी charge नहीं है, ये एक available free electron है जिसने bond नहीं बना रखा। तो इस single electron की presence की वजह से क्या होगा? यहाँ पर hyperconjugation possible है। जैसे यहाँ था, यहाँ इस carbon पर जो अवेलेबल 3 हाइड्रोजन्स हैं जिनको हम अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज अल्फा कार्बन और ये 3 हुए अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या होगा कि जो हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे उनमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का ये बॉन्ड टूट कर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिटेन करेगा और दूसरा इसकी पेयरिंग के लिए इस तरह से भेज दिया जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे इस तरह से उतने ही हाइपर कंजुगेट्स पॉसिबल होंगे। जैसे हमने पहले बात किया, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 हाइपर कंजुगेट्स पॉसिबल होंगे और उस हिसाब से यहाँ पर ऐसे 3 हाइपर कंजुगेट्स बनेंगे। अगर हम इस ए मॉलिक्यूल को इस बी फ्री रेडिकल से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर इस सिस्टम से जुड़ने वाले अल्फा कार्बन हैं 3 और इन पर अवेलेबल अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर है 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के लिए 9 हाइपर कंजुगेट्स बन सकते हैं। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल सी की, तो इस सिस्टम से अटैच्ड है डायरेक्ट 2 कार्बन, तो ये दोनों अल्फा कार्बन हुए और अल्फा कार्बन पर अवेलेबल हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में अवेलेबल अल्फा हाइड्रोजन हुए 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसीलिए यहां पॉसिबल होंगे 6 हाइपर कंजुगेट्स। सो बेसिकली अगर हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करें, तो बी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट सबसे ज़्यादा बनेंगे। देन कम्स द नंबर ऑफ सी एंड देन एट द लास्ट कम्स ए। सो ए वुड बी द लीस्ट रिएक्टिव और मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट रिएक्टिव एंड बी वुड बी वॉट, बी हैविंग 9 अल्फा हाइड्रोजन्स विल बी द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। मोस्ट स्टेबल मीन्स लीस्ट रिएक्टिव। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। वॉट इट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर? इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर इज द रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट? सो वी कैन से ए इज लीस्ट स्टेबल, इट मीन्स इट इज मोस्ट रिएक्टिव, और इफ वी आर सेइंग बी इज मोस्ट स्टेबल, इट मीन्स इट इज लीस्ट रिएक्टिव। तो दिस इज हाउ वी कैन डिस्कस द स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन फॉर कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल्स, देन एल्कीन्स एंड देन कार्बो एनायंस ऑल्सो। सिमिलरली वी कैन डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स ऑल्सो, राइट, बाई फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑन द सिस्टम। लाइक दीज आर द 2 कार्बन्स बियरिंग डबल बॉन्ड, सो द कार्बन नेक्स्ट टू इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, राइट? हियर इफ वी काउंट, दिस इज द सिस्टम एंड द कार्बन्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू इट आर 2, सो बेसिकली दिस मॉलिक्यूल हैज 2 अल्फा कार्बन्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट ऑन देम आर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। इफ वी डिस्कस अबाउट दिस मॉलिक्यूल, देन टू दिस सिस्टम डायरेक्टली हाउ मेनी कार्बन्स आर अटैच्ड? 3, सो 3 अल्फा
carbons bearing how many alpha hydrogens? Total of 9 alpha hydrogens. So as we have already discussed earlier in the same video, that number of alpha hydrogens decides the number of hyperconjugates possible. So when there are alpha hydrogens, they will try to satisfy this unsaturated system. So more the number of alpha hydrogen, more number of hyperconjugates are possible for the alkene, and hence that particular alkene will be more stable. So depending upon the number of alpha hydrogens, C is bearing the maximum number of alpha hydrogens. So the stability order is C is maximum stable out of the three, and then B bearing 6, and then the least stable is A. So for this question, the stability order is C is more stable than B, and then the poorest instability is A. सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. यहाँ पर फिर से दो एल्कीन हैं हमारे पास. इस सिस्टम में अगर हम डिस्कस करें तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन से, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप एज्यूम कर सकते हैं, से डायरेक्ट बॉन्डेड हैं दो कार्बन, यानी दो अल्फा कार्बन. इन पर 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ दिस इज द सिस्टम. इससे जुड़ा है डायरेक्ट ये कार्बन जिस पर दो अल्फा हाइड्रोजन है, राइट. सो द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल second, that is in second example, stability of molecule 1 is greater than the second. So basically till here what we have understood, more the number of alpha hydrogens, more is the stability. Similarly, we can further discuss the stability of carbanions, right, wherein we will be coming across actually something different from hyperconjugation, which is called as a reverse hyperconjugation or negative hyperconjugation also. So let's discuss it. Now talking about the fourth and last application of hyperconjugation, wherein we will be coming to talk about one very important effect, which is actually reverse of hyperconjugation. So let's first take an example and discuss. Herein again the same system is there, like one carbon we have which is bearing negative charge. Negative charge bear करने वाली ऐसी कोई भी species carbo anion कहलाती है, और इस carbo anion के carbon की specificity ये होती है कि ये carbon sp3 hybridized होता है. sp3 hybridized का मतलब, इससे पहले जितने भी systems हमने discuss किए उनमें carbon जो है, जो charge bear कर रहा था, उसका पी ऑर्बिटल फिल्ड नहीं था. जैसे हम कार्बोकेटाइन की बात करें या हम फ्री रेडिकल की बात करें, तो वहां पर कार्बन का पी ऑर्बिटल फुली फिल्ड नहीं था. बट एक्चुअली यहां क्या है कि कार्बन जो है, जो नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है, इसका मतलब कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका पी ऑर्बिटल फिल्ड है. तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, यहाँ एक्चुअली हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चार्ज फ्लो करते हैं किधर, या अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ केटायन, कार्बोकेटायन के केस में. और फ्री रेडिकल के केस में भी हमने यही देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स अल्फा हाइड्रोजन के चार्जेस की तरफ या फ्री रेडिकल की तरफ मूव कर रहे थे. पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज जो है वो स्पीशीज से अवे फ्लो कर रहा है, और बॉन्ड जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है, यहां पर एक चीज और अलग है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहां हैलोजन्स होने चाहिए. मतलब जो कार्बन अल्फा कार्बन है, दैट शुड एसेंशियली बियर हैलोजन, क्योंकि हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहां अटैक करेंगे, तो इसके इंफ्लुएंस में कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को विथड्रॉ कर ले, राइट. और विड्रॉ करने की वजह से वो मॉलिक्यूल में बाहर वेटिंग सिचुएशन में खड़ा रहेगा, और उसके हट जाने के कारण कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और उसके अपोजिट कार्बन पर जहां नेगेटिव था पहले, वो नेगेटिव कहा गया डबल बॉन्ड बनाने, राइट. इसका मतलब कि चार्ज का मूवमेंट हो रहा है और डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. लास्ट
इफेक्ट्स में, जो तीन एप्लीकेशंस हमने देखी उसमें अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स मूव करके पाई बॉन्ड बना रहे थे, बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज मूव होकर पाई बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली जस्ट अपोजिट हो रहा है हाइपर कंजुगेशन का, यानी कंडीशन तो वही है लेकिन हमें मूवमेंट जो है चार्जेस का वो अपोजिट देखने को मिलता है, इसीलिए इस इफेक्ट को रिवर्स हाइपर कंजुगेशन या नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन भी कहा जाता है। तो बेसिकली इफ वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, सो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स दे गेट डीलोकलाइज्ड फ्रॉम फिल्ड पी ऑर्बिटल, फ्री फिल्ड पी ऑर्बिटल किसका होगा, कार्बन का, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो द नेगेटिव चार्ज्ड कार्ब एनायन कार्बन विच इज हैविंग फिल्ड पी ऑर्बिटल, वहां से इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे और कहां जाएंगे, एडजेसेंट मतलब बाजू के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये डेफिनेशन हुई रिवर्स हाइपर कंजुगेशन की, जो जस्ट अपोजिट इफेक्ट शो करती है हाइपर कंजुगेशन का। तो बेसिकली जब हम हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो मेजर वहां हम स्टेबिलिटी डिस्कस नहीं करते कार्बो एनायंस की, क्योंकि कार्बो एनायंस की स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से गवर्न नहीं होती बल्कि वो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन से गवर्न होती है। और रिवर्स कंजुगेशन होने के लिए अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं बल्कि हैलोजन होने चाहिए। और दूसरी चीज है, यहां एक जो बिल्कुल अपोजिट चीज देखने को मिलती है हाइपर कंजुगेशन से, वो है इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी अल्फा कार्बन पर लगे हुए हैलोजन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज की तरफ नहीं जा रहे, वो चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसे रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। तो आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन एंड रिवर्स हाइपर कंजुगेशन एंड ऑल द एप्लीकेशंस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।